लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण संपन्न हो चुका है, वहीं मतगणना 23 मई को होने वाली है। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने चुनाव की सरगर्मी और भी बढ़ा दी है। विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है और इन एग्जिट पोल्स ने केंद्र में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 435 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाकी उसने सहयोगियों के साथ बांटी है। वहीं कांग्रेस ने कुल 420 सीटों पर चुनाव लड़ा है और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने इस बार 21 पार्टियां शामिल हैं, जबकि यूपीए में इस बार कांग्रेस की अगुवाई में 25 पार्टियां शामिल हैं। उधर चुनाव समापन के पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अब तीसरे मोर्चे के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि 23 मई को आने वाले नतीजों से जल्द ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता रहे लोकसभा चुनाव 2019 का रण और सातवें और आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है, लेकिन एग्जिट पोल्स ने अब चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी है। 23 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक बार फिर से किसकी सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल्स ने लेकिन यहां पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। एनडीए को बहुमत मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल्स की अगर माने तो तीसरे मोर्चे के समर्थन से सरकार बनाने में अब विपक्ष पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 23 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। सातवें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी, लेकिन अब एग्जिट पोल्स की अगर माने तो चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल्स ने चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनडीए को बहुमत मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल्स की माने तो, और तीसरे मोर्चे के समर्थन में अब सरकार बनाने में विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 23 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार देश में बनने वाली है। लेकिन तब तक के लिए एग्जिट पोल्स ने चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, एनडीए को इसमें बहुमत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है सभी एग्जिट पोल्स की माने तो। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको लगातार बता रहे हैं, अब आखिरी और सातवें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर इसमें मत डाले गए। सभी मतदाताओं में उत्साह देखा गया, सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया। कई दिग्गजों ने भी इसमें वोट डाले और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसके नतीजे अब 23 मई को घोषित किए जाएंगे। सभी की नजरें 23 मई की ओर टिकी हैं। आपको बता रहे हैं एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर अपन एग्जिट पोल्स के जरिए देखें तो तीसरे मोर्चे के समर्थन में सरकार बनाने में विपक्ष अब पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आ रहा है। 23 मई का सभी को इंतजार, जब चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और ये भी तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन तब तक एग्जिट पोल्स के जरिए एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसने अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। विपक्ष अब मुश्किल में नजर आ रहा है, एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।